नमस्कार दोस्तों। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे व उनके भाई नील थे जो वानर प्रजाति के थे। वे किष्किंधा की सेना के सेनापति थे जिन्होंने भगवान श्री राम के साथ माता सीता की खोज व रावण से युद्ध में सहायता की थी। इनका प्रमुख योगदान समुद्र पर बनाए गए सेतु के रूप में याद किया जाता है। बचपन में एक ऋषि के द्वारा मिला श्राप इनके लिए वरदान साबित हुआ था। आइए जानते उस कथा के बारे में। नल व नील वानर प्रजाति के होने के कारण बहुत चंचल स्वभाव के जो ऋषि मुनियों के साथ रहते। जब वे छोटे थे तब वे अपने चंचल स्वभाव के कारण उन लोगों को बहुत तंग किया करते थे। अपने इसी नटखटपन में वे ऋषि मुनियों के सामान इत्यादि को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे। जब ऋषि मुनि अपनी ध्यान साधना में लीन होते थे तब दोनों बालक चुपके से आते व उनका सामान उठा ले जाते व नदी या समुद्र में फेंक देते थे। दोनों बालकों की इस नादानी से सभी ऋषि बहुत परेशान थे। अतः एक दिन एक ऋषि ने दोनों को श्राप दिया कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबने के बजाय उस पर तैरने लगेगी। उसके बाद से वे जो भी वस्तु जल में फेंकते वह तैरने लगता था। जब भगवान श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो उसे पार करने के लिए उन्होंने समुद्र देव का आवाहन किया। समुद्र देव ने उनके सामने प्रकट होकर उनकी समस्या के निवारण नल नील को मिला श्राप बताया। उन्होंने कहा कि इनके श्राप को ही आधार बनाकर आप अन्य वानरों की सहायता से इन्हें पत्थर चट्टान इत्यादि लाकर दे। वे जो भी वस्तु ये समुद्र में फेंकेंगे वह उस तल पर तैरने लगेगी। इस प्रकार वानर सेना ने नल नील की सहायता से केवल 5 दिनों में ही 100 योजन का लंबा पुल समुद्र पर बना डाला जिस पर श्री राम सहित संपूर्ण वानर सेना चलकर गई। दोस्तों, सनातन या हिंदू धर्म व भारतीयता के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको पूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो कृपया इस वीडियो में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।